उसकी तरह मालिक ने दरवाजे पे सांकल लगाई और वह लड़का खाना खाकर सो गया। रात गहराती गई और वो तेंदुआ उस दरवाजे को तोड़ने के उद्देश्य से अपने पंजों से जोरदार वार करता रहा। उसके पंजों के वार से दरवाजा तो नहीं टूटा, लेकिन सांकल अपनी खूंटी से हट गई और दरवाजा खुल गया। उस कमरे के अंदर 40 बकरियों का जमघट और उस कमरे के कोने में सोता हुआ लड़का, या तो वो तेंदुआ बकरियों की पीठ के ऊपर से कूदता गया होगा या फिर उनके पेट के तले के नीचे से रेंगता हुआ।